यूपी के संभल में भी गैंगस्टर की 50 लाख रुपए की संपत्ति को कुर्क किया गया है। पुलिस ने पूरे गांव में मुनादी करके गैंगस्टर की 50 लाख की संपत्ति को कुर्क कर दिया। आपको बता दें कि गांव की अगर बात की जाए तो यहां पर मसूरपुर माफी निवासी गैंगस्टर के मकान और एक स्विफ्ट कार को पुलिस ने जब्त किया। साथ ही पुलिस के मुताबिक रईस उर्फ बबलू पर पशु तस्करी, लूट, डकैती के साथ ही चोरी जैसे तकरीबन 64 से ज्यादा मामले दर्ज हैं, जिस पर 2018 में गैंगस्टर की कार्रवाई भी हुई थी। मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद पुलिस गैंगस्टर के गांव पहुंची और बैंड बाजे के साथ मुनादी कर उसके 50 लाख रुपए की संपत्ति को कुर्क किया गया। अपराधियों के सीधे तौर पर रीढ़ की हड्डी को तोड़ने का काम प्रशासन करता हुआ नजर आ रहा है, सरकार करती हुई नजर आ रही है। संभल में एसपी संभल महोदय के निकट पर्यवेक्षण में शातिर अपराधियों के विरुद्ध धरपकड़ अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के क्रम में आज थाना असमोली क्षेत्र के गांव मसूरपुर माफी का रहने वाला शातिर अपराधी रईस उर्फ बबलू पुत्र कल्लू, जो कि शातिर अपराधी है, वह गौ तस्करी, पशुवध व चोरी जैसे संगीन जघन्य अपराधों में लिप्त रहा है, जिसके विरुद्ध पूर्व में गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई थी। गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई के दौरान ही इसके द्वारा पशु तस्करी व गौवध करके जो अवैध रूप से संपत्ति अर्जित की गई थी, जिसको धारा 14(1) गैंगस्टर के अंतर्गत चिन्हित किया गया, वह चिन्हित कर इसकी रिपोर्ट डीएम साहब को प्रेषित की गई। आज देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।